이런 것이 ये रेडियो जुम्बिश उर्दू है। अमूमन अपने इस तरह के प्रोग्रामात में हम बात नहीं करते, बल्कि आपको वो आवाजें सुनाते हैं जिनकी अपनी एक मुनफरद लय होती है, जो दुनिया को बतर्ज़ दीगर सोचते हैं, इस सोच को अपने दरून से निकाल कर समाज में मुजस्सम ला खड़ा करते हैं। गीत की सूरत हम उन्हें सुनते हैं, लफ्जों की सूरत पढ़ते हैं और रंगों की सूरत देखते हैं। मैं इसलिए लफ्ज़ों को शायराना बुनत में बयान करने की सही कर रहा हूँ कि आज मैं आपको बलूचिस्तान की एक खूबसूरत और मस्बत शख्सियत के ख्यालात से आगाह करना चाहता हूँ। आप एक मदारी हैं जो रंग तमाशा करते हैं, बद्दी बदनुमान दीवारों को पान की पिचकारियों से लतेड़ने की बजाय रंगों से सजाते हैं। आप बलूचिस्तान के एक ऐसे खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं जो शाज़ो नादिर ही बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में मौज़ूए सुकून हो। हाँ, अलबत्ता वो अपने एक ख़तरनाक जेल खाना के लिए ज़रूर मशहूर है, जहाँ रहना सियासी कैदियों के लिए एजाज़ और मुजरमों के लिए एक बुरा ख्वाब जैसा है, और वहाँ की दूसरी मारूफ आवाज़ रेल की चकचक है। हम आपको सुनाते हैं पहली आवाज़, शर्जील बलोच की आवाज़। शर्जील बलोच से आप वाकिफ़ी होंगे, अगर नहीं तो अगले ही चंद मिनटों में होने वाले हैं। आपने सोचा क्यों ना शहरों की दीवारों को सजाया जाए, रंग तमाशा क्या खुश आहंग अल्फाज हैं, मस्बत सोचों को अंगीत करने वाले अल्फाज। इसलिए तो यह तमाशा बलूचिस्तान में हर दीवार पर रूनुमा होने वाला है। हमने शर्जील बलोच से पूछा, साहब आपने ये क्या तमाशा लगा रखा है? बहुत शुक्रिया आपका और आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से शायद कुछ बातें जो अब तक नहीं हुई थी वो भी हो जाएं। अच्छा, रंग तमाशा का बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले हमारे एक दोस्त हैं जो कि सिंध में रहते हैं, उन्होंने अपने एक औताक बनाई थी और उस औताक को वो पॉजिटिव यूज़ करना चाहते थे। फिर उन्होंने दोस्तों से पूछा कि क्या करना चाहिए, हमने कहा कि वहाँ पर कुछ आर्ट रेजिडेंसी बनानी चाहिए आपको, जहाँ पर आर्टिस्ट आएँ और वहाँ पर रहें और वायरल अपना काम करें और कम्यूनिटी को भी इंगेज करें। किस्सा मुख्तसर ये है कि बहरल उस एक आर्ट के बहाने हम वहाँ पर पहुँच गए और फिर हमने इस गांव की एक दीवार को सिलेक्ट किया था और फिर उस गांव को हमने पेंट करना शुरू किया दोस्तों से चंदा जमा करके, और फिर करते करते एक वक्त में पहुँचे तो पता चला कि वो तकरीबन पूरा गांव हमने इस तरह से पेंट कर दिया। आप समझ लें कि 85-90% गाँव जो है वो पेंट हो गया था। तो ब्यूटिफिकेशन तो हुई सो हुई, लेकिन वहाँ के जो बेरोज़गार और जो नौजवान वो जो इनके पास कुछ काम नहीं था करने का, जो बेकार थे, वो सब एक्टिव हो गए थे उस प्रोसेस के अंदर। और फिर उसमें एक सियासी तब्दीली ये आई कि जब इंतखाबात हुए वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात, तो उस गांव के लड़कों ने पहली मरतबा फ़ैसला किया कि हमारा गाँव जो है इसका नाज़िम जो हमारा अपना बंदा होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से बात की, उन्होंने कहा कि अब हमें आप लोगों पर यकीन है कि जो आप लोगों ने बोला था, जो आप लोग कहते हैं, आप लोग वो करके दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम उस गांव के नौजवानों ने इसको ओन किया और फिर जो नाजिम की सीट थी वो जीत गए और फिर उसके बाद उन्होंने अपने गांव को खुद ही संभालना शुरू किया। तो खैर, ये तो इसका एक बैकग्राउंड था रंग तमाशा का। उस वक्त हमने इसका नाम भी रंग तमाशा नहीं रखा था, जस्ट बस एक ऐसे कि चलो कुछ करते हैं चल के। लेकिन उसके बाद में जब मेरे पास बहुत सारा टाइम भी था और कुछ करने को ख़ास नहीं था, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2018 की,
तो मैंने फिर ये सोचा कि अब इस काम को प्रॉपरली ठीक तरीके से करना चाहिए। तो कराची के एक स्कूल हमने सेलेक्ट किया था रनछोड़ लाइन में, जो कि बिल्कुल ही गरीब इलाके में और बहुत अच्छी हालत नहीं थी उसकी। उनके प्रिंसिपल हमारे दोस्त हैं, हेडमास्टर ने कहा कि आप आएँ वहाँ पर आकर बच्चों के साथ कुछ रंग तमाशा करें। तो बहरहाल फिर वहाँ पर हमने के तकरीबन को 2-2.5 महीने लगा कर इस बच्चों के साथ इस स्कूल को काफ़ी हद तक डेकोरेट भी किया, और उससे ये हुआ कि जो बच्चे थे वहाँ के उनके मिजाज में एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आई। वो जो पहले उनमें थोड़ा सा एक था रुझान लड़ाई उड़ाई ये वो, थोड़ी सी ज़रा उनको हमने बड़े प्यार से इस काम के अंदर शामिल करके उनकी एक मिजाज में तब्दीली हुई। हमने डेलिब्रेटली नहीं किया था, लेकिन हमने देखा कि इससे हुआ है, उनके मिजाज में तब्दीली आ गई है, वो सॉफ्ट हो गए हैं, उनमें एक मुस्कुराहट आ गई उनके चेहरों के ऊपर। तो बहरहाल वो काम फिर जो है चल पड़ा, और उसके बाद मैं मच गया। मच मेरा अपना होम टाउन है, वहाँ पे हमने ये काम शुरू किया, दोस्तों से बात की। अच्छा, मच का तذکرہ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मच मेरा होम टाउन भी है और वहाँ पर मल्टी लिंगुअल आबादी पापुलेशन रहती है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर बलोची, बिरहावी, पश्तो, सिंधी, सराइकी, उर्दू, हिंदको, हज़ारगी, कोई 8-9 जुबानें बोलने वाले लोग मौजूद होते थे। मगर एक ख़ास वक्त के अंदर फिर लोगों को माइग्रेशन भी करनी पड़ी और बहुत हालात वहाँ पे ऊपर नीचे रहे, तो जिसकी वजह से उस पूरे इलाके में एक ठीक ठाक डिप्रेशन फील होता है। और आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पर जब पहली ट्रेन गुजरती थी तो शहर के जो बच्चे होते थे वो स्टेशन के करीब खड़े हुए नज़र आते थे, आते जाते लोगों को देखते थे, लोग भी उनसे इंटरेक्शन करते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे उदासी बढ़ती गई, डिप्रेशन बढ़ता गया, लोगों का मिलना जुलना भी एक दूसरे से कम होता गया, तो इस चीज़ को महसूस किया मैंने कि यार इस शहर को दोबारा से एक खुशी देनी चाहिए, कोई खुशी का कोई बहाना ढूंढना चाहिए। वो एक शेर है ना कि सफ़ेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे। तो बहरहाल वहाँ के जो एक बेरंगी सी जो थी उसको हमने तोड़ने की कोशिश की, वहाँ पर दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा ये अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा ख्याल है, हमारे बच्चों के पास ना खेलने की जगह है ना खेलने के उनके पास कुछ सामान है, तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि वो बच्चे छुट्टियों में जो है अपने दरों दीवार को रंग करें, कम अज़ कम किसी हद तक तो उनकी एक उदासी दूर हो सकती है। तो बहरहाल वहाँ पर हमने काम किया और अभी वो वहाँ पर चल रहा है काम आहिस्ता आहिस्ता, और फिर इसके बाद ये रूटीन बन गई कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर दोस्तों से कुछ रंग मांगता हूँ, और उसके बाद उस इलाके में जाकर हम रंगों के बीज बोते हैं। और फिर अभी कारवान आसा आसा बढ़ रहा है हमारा। अब आपने देखा होगा आवारान की दीवारों के पार्क की जो दीवारें हैं जो कि बेरंग थी बिल्कुल, उनको वहाँ के बच्चों ने खुद रंगा अपने हाथ से 2 दिन के अंदर। और फिर इस तरह से हमारे दोस्त बढ़ते चले जा रहे हैं, सिबी यूनिवर्सिटी के अंदर काम शुरू हो गया है, वहाँ पर नौजवान जो हैं वो काम कर रहे हैं। इस तरीके से जगह जगह इंशाल्लाह ताला ये रंग तमाशा होता जाएगा। अच्छा, आपने पूछा क्यों करते हैं, देखिए क्यों का जो सवाल है इसके बहुत सारे इसके जवाब आते हैं। पहली बात तो ये कि ये एक अच्छा काम है, और अच्छा काम करने के लिए कोई आपके पास उसका वजह होना ज़रूरी नहीं है, उसका जवाज़ होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा काम नेकी जो है वो हमेशा बग़ैर जवाज़ की जाती है। मैं एक आर्टिस्ट अपने आप को कहता हूँ, बाई एजुकेशन मैं डॉक्टर हूँ, बाई प्रोफेशन मैं फिल्म मेकर हूँ, लेकिन बाई हार्ट मैं अपने आप को आर्टिस्ट कहता हूँ, एक्टर भी हूँ, म्यूजिशियन भी हूँ। तो मैंने अपने रंगों को पॉजिटिव यूज़ के लिए चुना है। पॉजिटिव यूज़ से मतलब ये कि देखें, सिर्फ कैनवस रंग करने से और उनको बाजार में बेच देने से आप कोई ख़ास तब्दीली नहीं लेके आते हैं, लेकिन जब आप वही रंग उठाकर उन घरों पे ट्राई करते हैं, उन दीवारों पे ट्राई करते हैं जो किसी की नहीं थी, यानी जो जिसको कोई अपनी ओनरशिप नहीं मिली होती, तो वहाँ पर शायद ये काम जो है ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे आप किसी भी बच्चे से पूछें, किसी भी आप इलाके में जाएं पूछें ये स्कूल किसका है, वो कहते हैं गवर्नमेंट का है, ये डिस्पेंसरी किसकी है, वो कहते हैं गवर्नमेंट की है, ये पार्क किसका है, ये गवर्नमेंट का है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा नहीं है, हालांकि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो जब हम उनसे बात करते हैं कि ये तो आपका है, इस पे आपका टैक्स जो है वो लगा होता है, तो वो हैरत से देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक शऊर भी इसमें दिया जा रहा है कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये जो हॉस्पिटल्स हैं, ये जो पार्क्स हैं, ये जो लाइब्रेरीज़ हैं, ये जो स्कूल्स हैं, ये आपके हैं, आपके पैसों से बना है, आपके लिए बना है, और इसकी ओनरशिप
उस वक्त होती है जब बच्चे अपने हाथ से उसको साफ़ करते हैं, अपने हाथ से उसको खूबसूरत करते हैं, और उनकी वहाँ पे यादें जुड़ जाती हैं। तो दूसरी बात यह कि जो इसमें सबसे बड़ा एक जो आता है कि बच्चे जो हैं उनके मिजाज में एक पॉजिटिव चेंज आने लगती है, वो खुश रहने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन जो अभी तक बहुत ज़्यादा सप्रेशन में रहे हैं हर तरह से, वो माशी हालात की वजह से भी हैं, वो सियासी हालात की वजह से भी हैं, बेरोज़गारी अपनी जगह के ऊपर और जो अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना। तो अगर आप चंद दिन के लिए जाकर एक 3-4 दिन के लिए उनके साथ खेलते हैं, ये खेल है, खूबसूरत खेल है जिसके अंदर बच्चे खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनके अंदर जो बहुत सारे इमेजेस होते हैं वो निकल के सामने आते हैं, कोशिश करते हैं उसको पेंट करें दीवार पे। तो बहरहाल इसके तो जो आउटकम्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, इस पे बहुत लंबी बात होती चली जाएगी, मुख्तसरन यही बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा काम है जो कि नॉन वायलेंट, नॉन कन्फ्लिक्ट, और इसमें मेरी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, किसी भी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ना पढ़ना चाहता हूँ और ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला काम है। सीधा सीधा ये काम है, पीसफुल काम है, और मेरी कोशिश है कि मैं पीस फैलाऊँ अपने रंगों के ज़रिए और बच्चों के ज़रिए, बच्चों के अंदर और उनके समाज के अंदर जिस समाज में वो रहते हैं। हम हमेशा दूर की कूड़ी लाते हैं, साजिशी नजरियात गढ़ते हैं, इससे भला रंग तमाशा को कोई छूट मिल सकता है? इसलिए हमने सवाल किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस बहाने हमारी दीवारों पर निविष्ट दीवार सियासी और नजरियाती नारों को मिटाने के लिए यह सब कर रहे हों? ये बात वैसे मेरे लिए काफ़ी मज़े का खेज बात है, लेकिन नहीं, इसके पीछे जो है एक, अगर वाकई ये किसी ने तनकीद की है तो मैं समझता हूँ कि उसका कसूर नहीं है, क्योंकि जब आप एक ऐसे जोन में रहते हैं जहाँ पर आपको हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं ना, तो फिर आपके अंदर एक शक और शुभा जो है वो कुदरती तौर पे पैदा होना उसका एक फितरी अमल है कि जी ये जो काम किए जा रहे हैं कर रहे हैं, इनका मकसद जो है उन सियासी नारेबाजी को ख़त्म करके उसकी जगह रंग रोगन करना। अब मैं इस पे और कुछ नहीं कह सकता। पहली बात तो ये कि जब आप वहाँ पे जाते हैं, मैंने अब तक वैसे किसी ऐसी दीवार के ऊपर रंग नहीं किया जिस पर कुछ खास नारेबाजी की भी हो, लेकिन मैं हाँ उन जगहों पे ज़रूर रंग करता हूँ जहाँ पर बहुत भोंडे तरीक़ों से इश्तहारबाजी की गई है और उन दीवारों को मज़ीद ख़राब किया गया है। ये वो दीवारें हैं जो बड़े प्यार की मुस्तैक थी, खूबसूरती की मुस्तैक है, मतलब अगर आप खूबसूरती नहीं फैला सकते हैं तो कम से कम आपको बदसूरती फैलाने का तो कोई हक नहीं है। अब आप देखें वहाँ पर बलूचिस्तान की दीवारों पर जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है उनका ज़रूर एक क्या कहना चाहिए एक्सप्रेशन ज़रूर है, लेकिन उस एक्सप्रेशन के और तरीके भी हो सकते हैं ना उसको एक्सप्रेस करने के। आप जो है अगर इतना ही स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं तो ठीक है, फिर उसके लिए पैनाफ्लेक्स भी बनाए जा सकते हैं, उसके लिए बोर्ड भी बनाए जा सकते हैं, मतलब एक स्प्रे उठाकर जो है आप वहाँ दीवारों को अगर कोई गंदा करके और इसके ऊपर मनफी किस्म की इश्तहारबाजी करें तो आप उस समाज के अंदर क्या एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। मेरा बहरहाल किसी से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, ना किसी सियासी पार्टी से है, ना किसी मजहबी जमात से है, ना किसी और, मेरा कोई एजेंडा भी नहीं है। मेरा एजेंडा सिर्फ ये है कि जो मेरे जो बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो भी लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनको अगर मैं चंद लम्हों के लिए खुशी दे सकता हूँ, उनके दरो दीवार को उन बच्चों की मदद से खूबसूरत कर सकता हूँ, उन बच्चों के हाथ में ब्रश और पेंट दे के उनको आर्ट की तरफ रागिब कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में इसमें ये करने की ज़रूरत है और ये मैं करता रहूँगा क्योंकि ये एक अच्छा अमल है। मैंने खुद महसूस किया है कि जब भी हम छोटे थे, हम जब रंग करते थे, कलर्स करते थे, ड्राइंग्स करते थे, तो बड़े खुश होकर एक दूसरे को दिखाते थे, इवन जब तख्ती लिखते थे अच्छी खताती के साथ तो भी हमें टीचर्स हमारे बड़े अच्छे मार्क्स देते थे कि इस बच्चे की खताती बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल आर्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा, देखें हमारे स्कूलों के अंदर ना आर्ट के ऊपर काम हो रहा है, ना हमारी कॉलेजेस के अंदर आर्ट पे काम हो रहा है, ना यूनिवर्सिटी के अंदर काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस काम की इसलिए भी ज़रूरत है ताकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर बच्चों के अंदर ये एक शऊर पैदा हो, एहसास पैदा हो। शऊर तो देर की बात है कि वो
اپنی جگہ کو خوبصورت کریں، اس کو اون کریں، یہ نہ کریں کہ وہ اس کو مزید خراب کرتے چلے جائیں. جو بچ گیا ہے اور جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم اچھا کریں، خوبصورت کریں. میرا صرف یہی ایجنڈا ہے. باقی جو شک و شبہات ہیں ظاہر سی بات ہے اس پہ آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے، اور نہ میرے پاس اتنا کوئی ہوتا ہے کہ میں ہر ایک کو جو ہے وہ ایکسپلینیشن دیتا رہوں. نیکی کا کام ہے اور نیکی میں بس بڑھتے رہنا چاہیے. جی آپ نے بات کی کہ سماجی نظریہ یا سماجی پیغام. دیکھیں یہ جو سماجی نظریہ سماجی پیغام ہے اس کے اوپر اگر میں کہوں کہ جی میں صفائی کرنا نصف ایمان ہے، یہاں پر اس کو لکھ کے جو ہے میں لوگوں کے اندر صفائی بیدار کرنے کی کوشش کروں، تو ہمارے ملک میں پتہ نہیں کب سے دیواروں کے اوپر یہ لکھا جا رہا ہے صفائی نصف ایمان ہے، یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یہاں تھوکنا منع ہے، فلانا فلانا. کوئی اس چیز کو نہیں دیکھتا. ہمارے یہاں جو ٹیکسٹ ہے نا لفظ، اب وہ اپنی وقت کھو چکا ہے تقریباً. یعنی اس کی بہت سمپل سی آپ کو ایک مثال دوں، آپ کسی دوست کو کہیں نا یار کہ میں چائے پی چکا ہوں، کہے گا نہیں 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 چائے پیو چائے پیو، اور اس زبردستی کرے گا. آپ اس کو پانچ دفعہ کہیں کہ نہیں میں چائے پی چکا ہوں اور مجھے طلب نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. یعنی وہ آپ کے جو لفظ ہے وہ چاہے لکھا ہوا ہو چاہے کہا ہوا ہو، بس اب وہ اہمیت کھو رہے ہیں. تو خیر میں بہرحال دیواروں کے اوپر کچھ ایسا نہیں لکھتا ہوں کہ جس کو میں اپنا کوئی ٹیکسٹ کے ذریعے کو، ہاں مگر میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیا اس پہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو کیسے آپ اچھا کر سکتے ہیں. کوئی بچہ کہتا ہے کہ مجھے درخت بنانا ہے، کوئی بچہ مجھے کہتا ہے مجھے خوبصورت سا چاند چاہیے، کوئی بچہ کہتا ہے میں نے گاڑی بنانی ہے. یعنی وہ ان کی اپنی خواہشیں جو وہ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی تو میں ان کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ یہ بچہ چاہتا کیا ہے، اور پھر اس کو آسان طریقے سے کیسے وہ پرفارم کر سکتے ہیں، اور دوسرا سمپل کلرز کے ذریعے وہ کیسے اس اتنی بڑی دیوار کو ڈیوائڈ کر کے کیسے اچھے اچھے اس میں پیٹرنز بنا سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے اندر ایک رنگوں سے دوستی کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا جو اوور آل جو ایک آپ سمجھ لیں آئیڈیا ہی وہ یہی ہے کہ بچوں کے اندر خوبصورتی سے خوبصورتی کو سمجھنے کا احساس پیدا ہو، ان کے اندر صفائی کا احساس پیدا ہو، اور ان کو یہ پتہ چلے کہ یار یہ چیزیں ہماری ہیں، ہم اس کو اون کریں. تو بس بیسک میرا آئیڈیا یہ ہے. باقی اس کے اندر آپ کچھ بھی کہہ لیں، سماجی پہلو ہے یا اس کے اندر سیاسی پہلو ہے یا اس کے اندر کوئی، ابھی تک جو ہے ہم لوگوں نے کسی بھی کیا اس کو کہتے ہیں فنڈنگ ونڈنگ بھی ہمیں نہیں ملتی ہے. ہم تو اپنا جو ہے وہ دوستوں سے چندہ وندہ مانگ کے اور کوشش کرتے ہیں کہ ان دور دراز علاقوں میں جا کر کام کریں جہاں پر ابھی تک اس طرح کی سوچ جو ہے وہ آئی نہیں تھی. اور دور دراز علاقے اس لیے بھی کیونکہ جو چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں. کراچی جیسی جگہیں، لاہور جیسی جگہیں، ایون کوئٹہ جیسی جگہوں میں پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے. لیکن جو ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، ان کو ہم جو ہے پینٹ کر کے خوبصورت بنائیں تاکہ وہ بھی ذرا ایک اٹریکشن کے اندر پیدا ہو اور وہاں کے لوگوں کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ اوپر اٹھ سکے. اب مثال کے طور پہ جس طرح سے آپ اگر کبھی بولان سے گزرتے ہیں، جب آپ مچھ سے گزرتے ہیں، آپ سوچیں کہ اتنا چھوٹا سا ٹاؤن جو ہے اگر آپ کو یہ رنگ برنگی خوبصورت ایک کسی اس کی ویسٹرن ٹاؤن کی طرح آپ کو نظر آئے کہ جس میں ہر گھر جو ہے وہ رنگ برنگی ہوا ہوا ہے، تو یقیناً آپ اس کا تذکرہ کریں گے. وہاں پہ آپ اتریں گے، آپ لوگوں سے ملیں گے کہ یار یہ آپ لوگوں نے، آپ کا گاؤں بڑا پیارا ہے، آپ کا ٹاؤن بہت خوبصورت ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ امپروو ہوتی ہے، بڑھتی ہے. ابھی تک جو ان کے اندر ایک احساس محرومی جو بہت حد تک اپنی جگہ بنا چکا تھا ان کے دلوں سے، وہ احساس محرومی شاید ختم ہو سکے، کم ہو سکے. اس کے دیکھیں نا ایک سیدھی سی بات بتاؤں کہ جب ہم کسی کا تذکرہ یار یہ تو وہ بندہ ہے جو فلانے گاؤں کا ہے جو خوبصورت ہے، رنگ برنگی ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے گاؤں کے بارے میں اگر کس طرح بات کرے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی. تو اس آرٹ کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری شناخت بن سکے. بلوچستان کی شناخت ویسے کافی حوالوں سے ہے، لیکن اب اس کی ایک اور شناخت اس کے رنگوں کے حوالے سے ہونی چاہیے، اس کے آرٹسٹوں کے حوالے سے ہونی چاہیے. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم آرٹ کا بیج ڈال رہے ہیں اور آرٹسٹ کی نرسری لگا رہے ہیں. آگے چل کے انشاءاللہ تعالی یہ بلوچستان کو اور خوبصورت کریں گے، سندھ کو خوبصورت کریں گے. جہاں جہاں پر رنگ تماشا جا رہا ہے
वो अपने आर्ट के पौधे लगाता चला जा रहा है, आर्टिस्टों की नर्सरियां बनाता चला जा रहा है। ये जो रंग तमाशा है, स्पेशली जो बलूचिस्तान के छोटे छोटे देहातों में हम कर रहे हैं और जो दूसरे शहरों में भी, आपने कभी गौर किया कि जो एक्सप्रेशन है ना कहने का, बड़े तो फिर भी अपनी बात कह लेते हैं, यानी उसके क्राउड की शक्ल में कह लेंगे, अखबार में लिख के कह लेंगे, दीवार पे कोई नारेबाजी करके कह देंगे, बच्चों की आवाज़ नहीं सुनी जाती। जो स्कूल वाले हैं, जो कॉलेजेस वाले हैं, इनके पास तो बिल्कुल ही पता नहीं है कि ये बेचारे अपनी आवाज़ कैसे कहें, ये अपना जो दुख है या अपनी जो खुशी है उसको एक्सप्रेस कैसे करें, ना इनकी तरफ कोई तवज्जो दे रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा आबादी का, एक पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि बहुत बुरी तरह से इग्नोर हो रहा था। ना तो वो बेचारों की एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है, ना उनकी हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है, और ना उनकी तरफ कोई उनकी बात सुनने को किसी के पास टाइम है। तो इसका जो एक आइडिया है वो यही है, इसके पीछे एक सोच ये भी है कि उन बच्चों से जाके आप दोस्ती करें, उनके साथ मिलें, उनके साथ कुछ रंग तमाशा करें और उनको थोड़ा सा कुछ एक्सप्रेस करने का मौका मिले, और इसी बहाने वो अपना एनवायरनमेंट भी खूबसूरत करते जाएं, इसी बहाने वो अपना जो अंदर जो उनके ख्वाहिशें हैं या उनके ख्वाब हैं वो उनको पेंट कर सकें दीवारों के ऊपर, या जो भी जगह हैं, उनके घर हैं, उनके दर दीवार हैं, उनके पार्क्स हैं, जो भी उनका एनवायरनमेंट है। आप सुन रहे थे रेडियो जुर्मिश उर्दू की खसूसी नशरिया में एक रंग तमाशा करने वाले मदारी की गुफ्तगु। इनके एक और दोस्त भी हैं जो बलूचिस्तान की नस्ल नौ के लट हैं, अच्छी बली नौकरी छोड़कर रंग तमाशा लगाए फिर रहे हैं, शब्बीर रखशानी। उनकी बातें आप रेडियो जुर्मिश बलूची के प्रोग्राम दीरगिंद में जरूर सुनिएगा। अमन में रहें और सुनते रहा करें रेडियो जुर्मिश।